Do you wanna know? हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ तो फ्रेंड्स मेरा है बर्थडे और बर्थडे पे मैंने बनाया है एक मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बिल्कुल नया रेसिपी है इसके लिए मेरे पास रखा हुआ था एक सूखा नारियल जो कि काफ़ी टाइम से फ्रिज पर रखा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे कुछ नई रेसिपी ट्राई कर लूँ आप चाहें तो इसमें जो मार्केट में नारियल मिलता है वो भी ला ट्राई कर सकते हैं उसमें भी आराम से बन जाएगा तो मैंने क्या किया सूखे हुए नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के एक चॉपर में डाल दिया और जल्दी से मैं इसे कर लेती हूँ चॉप दोस्तों ये रेसिपी आप जरूर बना के ट्राई कीजिएगा बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है तो झटपट से मैंने इसको चॉप कर लिया है चॉप करने के बाद अब मैं इसे डाल लूँगी एक बर्तन में और क्या करूँगी इसके लिए हमें चाहिए होगा चीनी या फिर गुड़ दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं तो मैंने क्या किया था पहले से ही गुड़ को मेल्ट करके रखा हुआ था आप चाहें तो गुड़ को कढ़ाई पे मेल्ट भी कर सकते हैं तो कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है धीमी आँच पर रखा हुआ है गुड़ को हमें दो तार की चासनी बनानी है यानी शुगर वाली चाशनी दो तार की होती है गुड़ को भी हमें दो तार वाली बनानी है जैसे ही ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया दो तार वाली चासनी बन गई मैंने झटपट से जो चॉप करके रखा हुआ था ना नारियल उसको मैंने इस पर डाल दिया है तो आप चाहें तो नारियल को आप मिक्सर जार में भी डाल के एक दो बार घुमा सकते हैं ताकि वो आसानी से चॉप हो जाए और फिर मैंने लिया इलायची इलायची को कूट लिया और यहाँ पर मैंने गोल मिर्चा पाउडर लिया है तो आप चाहें तो इसे नहीं भी डाल सकते हैं कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप गोल मिर्चा पाउडर डालें लेकिन अगर आप डालते हैं तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी तो मैंने इलायची को कूट के रखा था उसको उसको भी डाल दिया और एकदम थोड़ा सा गोल मिर्चा पाउडर भी डाल दिया अब मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है जैसे ही ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे यानी कि जैसे आप उठा के देखिएगा तो एकदम लड्डू जैसे बनता है ना उस तरीके से अगर होने लगे तो फिर आप गैस को बंद करके उसे ठंडा कर लीजिएगा तो मैंने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया है अब मैंने क्या किया है केले के, के पत्ते को लिया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है और फिर मैंने क्या किया कि गैस में इसे थोड़ा सा अल्टी पल्टी करके पका दिया है ताकि क्या हुआ ना कि हमारा जो केला का पत्ता है वो एकदम सॉफ्ट हो गया ताकि इसमें हमें पीठा बनाने में बहुत ही आसानी से बन जाए और कोई भी हार्ड नहीं हो और पीठा फटे भी नहीं और पत्ता भी फटे नहीं तो मैंने यहाँ पे एक दूसरे बर्तन पे ले लिया है आटा आटे में मैंने लिया है थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार मैंने लगभग दो कटोरी जितना आटा लिया है अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका है कि आटा को हमें कैसे गूंथना है आटा को जो हम गूंथेंगे ये ना ही पूरी के आटा जैसा गूंथना है ना ही रोटी का आटा ना ही पराठे का आटा जैसा गूंथना है आपको इसे बिल्कुल इस तरीके से गूंथना है जैसे कि चिप चिप करे और हाथ पे चिपके कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम आटा सानते हैं तो कभी ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो किस तरीके से वो चिप चिप करने लगता है बिल्कुल आपको इसी तरीके से ही इसे सानना है तो देखिए मैंने किस तरीके से आटे को साना है और इस तरीके से अच्छे से सानिएगा ताकि इसमें कोई भी दाने गुटली वगैरह ना रहे तो बस मैंने इसको अच्छी तरीके से सान लिया जैसे ही हमारे हाथ पे ये चिपकने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका आटा बिल्कुल फुल परफेक्ट सना है ये नुआ पीठा बनाने के लिए तो इस पीठा को मैंने नुआ पीठा दिया है नाम केले का पीठा भी दे सकते हैं नाम या फिर कोकोनट स्टफिंग वाले पीठा भी नाम इसका दे सकते हैं आपको जो मन में आए आप नाम दे सकते हैं तो मैंने क्या किया है जो केला का पत्ता मैंने गैस पर पका के रखा हुआ था उसको मैंने ले लिया एक थाली पर उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं पानी यानी कि एक कटोरी में पानी लीजिए हाथ से डिप कीजिए उसके ऊपर में अच्छी तरीके से लगा दीजिए ताकि आटा उसमें चिपके नहीं पकने के बाद और आराम से निकल जाए तो मैंने घी लिया है ताकि उसका स्मेल खुशबू बहुत अच्छी तरीके से आए तो मैंने क्या किया हाथ में थोड़ा सा आटा लिया और उसको अभी हम क्या करेंगे जो केला का पत्ता है उसके ऊपर एकदम धीरे धीरे करके फैला देंगे यहाँ पर मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी भी लिया है ताकि जो आटा है उसके ऊपर हम धीरे से हाथों से अच्छी तरीके से दबाएँ ताकि वो हाथ में चिपके नहीं तो बस इस तरीके से धीरे धीरे करके हम इसे फैला देते हैं बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला आटा को नहीं फैलाना है अगर आप बहुत मोटा करेंगे तो पीठा खाने में टेस्टी नहीं लगेगा पतला करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा बस फैलाने के बाद मैंने जो नारियल का स्टफिंग बना के रखा हुआ था वो ठंडा हो गया था उसको उसमें भर के केले के पत्ते को फोल्ड कर दिया है यहाँ पर मेरे पास एक स्टीम करने वाला बहुत ही प्यारा सा बर्तन है नीचे में मैंने पानी रखा और वो स्टीम वाला बर्तन उसके ऊपर में चढ़ाया और उसके के अंदर पीठा को रख दिया और कवर को लगा दिया एकदम धीमी आंच पे हमें लगातार इसे 15 मिनट तक पकाना है आराम से बन जाती है बहुत इजी है इसे बनाना तो इस तरीके से हम सारे पीठा को रैप करते हैं और उसके अंदर हम रख देते हैं स्टीम होने के लिए पंद्रह मिनट जैसे ही हो जाएगा हम गैस को कर देंगे बंद और आप देख सकते हैं दोस्तों पंद्रह मिनट बाद केले के पत्ता का रंग बिल्कुल चेंज हो चुका है आप समझ जाइएगा कि आपका पीठा बन तैयार हो चुका है तो हमारा पीठा बिल्कुल तैयार हो चुका है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया अपने बर्थडे पे मैंने खुद को दिया एक प्यारा सा गिफ्ट एक अच्छी सी रेसिपी ट्राई करके आप सभी को वो रेसिपी कैसी लगी मुझे आप ज़रूर बताइएगा मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप उसके अंदर कुछ और भी स्टफिंग डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं जैसे आलू का भरता डाल सकते हैं या फिर कुछ वेजिटेबल आप अच्छी तरीके से फ्राई करके उसकी भी स्टफिंग कर सकते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा एकदम केला का पत्ता का स्मेल आ रहा था बहुत ही अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात यह है कि हम हर दिन आटा खाते ही है रोटी बना के खाते हैं तो इस तरीके से अगर आप बना के बच्चों को भी देंगे या आप घर के बाकी मेंबर को भी देंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा एक नया रेसिपी ट्राई करने का मौका मिलेगा और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि लोग रोटी नहीं खाना चाहेंगे उसके बदले में हमेशा आपसे यही डिमांड करेंगे कि यही वाली रेसिपी उन्हें बना के दीजिए और उन्हें खिलाइए हर दिन तो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कर दीजिएगा जल्दी से ताकि और भी बहुत सारे लोगों तक मेरी ये प्यारी रेसिपी पहुंच सके और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो फटाफट फड़ से सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं ब्लॉग अपलोड करूंगी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलेगा और आप मेरी ब्लॉग को सबसे पहले देख सकते हैं जैसे ही शाम होता है मेरे हस्बैंड ने पहले से ही मेरे लिए केक ऑर्डर कर दिया था और साथ में एक रोज़ भी ऑर्डर किया था काढ़ भी था और कुछ डेरी मिल्क भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया था उन्होंने तो पहले कहा था मैं बुके भेजूंगा लेकिन मैंने ही कहा कि बेकार लगता है मुझे बुके वगैरह क्योंकि अननेसेसरी पैसा वेस्ट होता है इतने सारे फूलों का करूँगी भी मैं क्या तो उन्होंने बस एक सिंपल सा रोज़ भेजा था और साथ में ये एकदम नया टाइप का बेरी केक है ब्लूबेरी केक है जो कि बहुत ही अच्छा लगा फर्स्ट टाइम मैंने ये के खाया इससे पहले तो ज़्यादातर हमारा दूसरे दूसरे फ्लेवर का आता था तो उनका कहना है कि हर बार खाओ तो कुछ अलग टेस्ट करो ज़्यादा अच्छा लगता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है लेकिन उनकी कमी तो हमेशा फील होती है वो यहाँ पे होते तो अलग ही होता माहौल पिछला बार थे तो अलग एकदम अलग था मेरा बर्थडे बहुत ही स्पेशल था और उन्होंने खुद खाना बनाया था मेरे लिए सब कुछ किया था एकदम हटके था कोई बात नहीं इस बार साथ में नहीं है अगली बार ज़रूर हम लोग सबको ही साथ में होंगे तो बस सबसे पहले मैंने केक कट किया और यहाँ पर अथब खा रहा था चॉकलेट चॉकलेट खाने के बाद वो बोल रहा है वेट करो मम्मा फिर मैं केक खाऊँगा तो फिर बस ये केक ट्राई किया उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा फटाफट से वो केक खाता है उसको बहुत पसंद आया फिर हम लोग केक वगैरह खा के और फिर उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया था डोमिनोज से पिज़्ज़ा तो हम लोग जल्दी से अभी पिज़्ज़ा भी खा लेते हैं पेट भर के खा लेंगे और उसके बाद आज हमारा बर्थडे पार्टी ख़त्म तो बस अकेले अकेले हमने बर्थडे मना लिया इंजॉय किया खाना पीना खा लिया पेट भर लिया नया रेसिपी मैंने ट्राई कर दिया और मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया एक नई रेसिपी ट्राई करके तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वो रेसिपी जो मैंने ट्राई किया था आप सभी अगर नहीं बनाए कभी भी ये पीठा तो आप जरूर बना के ट्राई कीजिएगा बहुत अच्छा लगेगा और आज अथर्व की पढ़ाई से बिल्कुल छुट्टी तो अभी हम लोग थोड़ा सा मस्ती करेंगे और मैंने हस्बैंड से कहा कि आपने मुझे क्या गिफ्ट दिया है तो उन्होंने मुझे दिया एक बड़ा सा सरप्राइज और सरप्राइज़ ये है कि उन्होंने अपने हाथ पे टैटू बनाया है मेरे नाम का तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज है मेरे उम्मीद है आप सभी को मेरी ब्लॉग जरूर पसंद आई होगी पसंद आई ना तो जल्दी से लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए जल्दी मिलूंगी दोस्तों नई चीज़ों के साथ तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए ढेर सारी प्यार और खुशियां लोगों में बांटते रहिएगा बाय बाय